हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग बैक्सन का B17 बोन्स ड्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दवा होम्योपैथिक दवा के बारे में। बोन में बहुत से लोगों को बोन पैर की हड्डी कमज़ोर रहती है, अक्सर टूट जाता है। उसमें पैरम फॉस 6x, कैल्केरिया फॉस 6x बारी बारी से लेने से हड्डी काफ़ी मजबूत हो जाती है। उसमें दूध दही दलिया कैल्शियम वाला आइटम ज़्यादा खाने से हड्डी मजबूत हो जाती है और टूटती नहीं, एक्सीडेंट में भी काफ़ी आराम मिलता है, दर्द नहीं होता है। और इसमें सिम्फा आइटम 200 अगर फ्रैक्चर हो जाए पैर में, हाथ में, कहीं भी, तो उसके लिए सिम्फा आइटम 200 और पैरम फॉस 6x, कैल्केरिया फॉस 6x लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। अगर उसमें नासूर हो गया हड्डी में, उसमें कैल्केरिया फ्लोर 200 दवा लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। और साइलिसिया 1000 नंबर 5 बूंद, 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बारी बारी से, एक बार कैल्केरिया फ्लोर 200, एक बार साइलिसिया 1000 या 10000 नंबर लेने से हड्डी में जो नासूर बनता है उसमें बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। कैमोमिला 30 लेने से दांत में निकलने के समय बच्चों में जो टट्टी बार बार होती है उसमें बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। कैमोमिला 30 या 200, फेरम फॉस 6x, कैल्केरिया फॉस 6x, तीनों दवा बदल बदल के एक एक टिकिया 1 चम्मच पानी में, गुनगुना पानी में देने से बहुत जल्दी दांत निकलने लगता है, ताकत बढ़ जाती है और दांत मजबूत निकलता है। हेक्ला लावा अगर मसूड़े में बॉयल बन जाए उसके लिए बहुत अच्छा दवा काम करता है। इसी तरह से दांत निकलने के लिए फेरम फॉस, कैल्केरिया फॉस 6x और कैमोमिला 230 या 200 लेने से बहुत जल्दी दांत निकलने लगता है। टट्टी जो दांत निकलने के समय होता है उसमें भी बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। हड्डियों में अनावश्यक वृद्धि या कमजोरी, सुखंडी रिकेट में एब्रोटेनम 30 दवा बहुत अच्छा काम करती है। संधि सोज और हड्डियों में कमजोरी के लिए फेरम फॉस, कैल्केरिया फॉस 6x और सिम्फा आइटम 200 लेने से हड्डी काफ़ी मजबूत हो जाती है, एक्सीडेंट में टूटता नहीं, ताकत बढ़ जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।